चाहते थे ना तुम कि बिहार चला जाए, तुझे तावत कर कुछ ना जाएगा। वैसे भी मैंने कौन सा कौन मार दिया उसे, अब ईश्वर को मैंने सोते लोग की तरह व्यवहार किया, उससे चला जाएगा वो, क्या सच में चला जाएगा? आज खुश हो जाओ ना आप, तुम अब तो खुश हो जाओ। ध्यान तो बच जाएगा तो क्या हम सबका प्यार उसके साथ है? तू अपने लिए दुआ कर कि जो तूने किया है ना उसकी कोई माफी नहीं है, न यहां न वहां। डॉक्टर साहब ध्यान ठीक तो है ना? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? वो ठीक हो जाएगा ना? प्लीज डॉक्टर बताइए ना, वो अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। बस थोड़ी देर में हम उन्हें वार्ड रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। चुपकी बेटा, बेटा बिहान ठीक है, वो खतरे से बाहर है, तो ठीक हो गया। किसे ढूंढ रहे हो? देखो बेटा बिहान, कुछ दिन पैर में दर्द रहेगा तो ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। अरे भागेंगे नहीं तो ध्रुव के लिए पतंग कैसे लूटेंगे? चुप कर, मुझे एक भी पतंग नहीं चाहिए, बस तू अपना पैर संभाल, इसमें क्या है? कहा था ना दर्द होगा। देखो अगर चलना फिरना है तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। एक काम करो, बाजार से एक छड़ी खरीद लो। हा? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर अंकल, मैं हूँ ना। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे कुछ करने दे। नहीं भाई, मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रहे हो। मैंने बोला ना, तेरा पूरा ध्यान मैं रखूंगा। नहीं भाई नहीं, हमारी एक टांग तो क्या, दो टांग टूट जाए ना तो ये हम तुमको जंग नहीं करेंगे। चुप कर वरना थप्पड़ मारूंगा ऐसी बात की। तो थप्पड़ तो क्या, अगर तुम हमें गोली मार दो ना तो वो भी हंस के खा लेंगे।
ये क्या कर रहे हो? यार मेरे भाई, जो काम मैं आज तक रोकता आया मैं वही पूरा करवाना चाहता हूं। मेरी बात मानेगा ना मेरे भाई? के मांग में सिंदूर भरते प्यार बना ले उसे अपना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वकर मंगलम पुंडरीकाक्ष। अब जा कर रहे हो? पता नहीं बिहार, बस इतना जानता हूं कि अब जिंदगी भर यहां किसी से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी अगर आप सब मुझे माफ कर देंगे तो चलता हूं। ख्याल रख। मां 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 आप रोकी ना तुमको। ध्रुव ध्रुव बाबूजी दादी मां आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते? ध्रुव नहीं तपी आराम करो। Thank you.
आज मैं सुबह को गए हुए 2 महीने हो गए उसके जाने के बाद। जिस तरह से तुमने इस घर को संभाला है ना, अगर वो यहाँ होती तो देखकर बहुत खुश होती। दादी माँ, माँ गुरु जी के आश्रम से कब तक वापस आएंगी? वो तो अपना पश्चाताप पूरा करके ही आएगी। खैर बेटा, मुझे पाठ करना है, मेरी भगवत गीता कहाँ है मुझे मिल नहीं रही। दादी माँ वो यही है, मैंने खुद संभाल कर रख दिया था, 1 मिनट में लेकर आती हूँ। दादी माँ आप इसका पाठ कीजिए, फिर मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ, वो भी आपकी वाली स्पेशल मलाई वाली। अरे मेरा बच्चा, बाऊजी बाऊजी ये क्या, मैं आपको कब दवा देके गई थी, आपने एक भी दवा नहीं खाई। वो हिसाब देखने में ख्याल नहीं रहा। कोई बात नहीं बाबूजी, अब आप मेरे सामने ये दवाई खाइए। बाद में बाबूजी, माँ नहीं है तो आप ना अपना ख्याल रखते और ना दवा खाने का। अच्छा अच्छा, वसुंधरा जी के बिना हम कभी रहे नहीं ना। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, हम जरा आराम कर लेते हैं। जी। तुम रो क्यों रही हो? बिहार की माँ के बिना ये घर कितना सोना सोना है, एकदम बेजान। तुम जानते हो कि मुझसे क्या कह रहे हैं सब लोग, कि मैंने माँ के बिना सब कुछ कितना अच्छे से संभाल लिया। पर बिहार तुम ये जानते हो ना कि मैं माँ की जगह तो कभी नहीं ले सकती। बिहार माँ कब आएंगे आश्रम से वापस? बहुत जल्द आपकी, बहुत जल्द। अकेली माँ के बिना हम सब की हालत है, तो सोचो सोचो वहां माँ हम सब के बिना क्या कर रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे। और वैसे भी तबकी हमने तो सिर्फ उन्हें इसलिए जाने दिया ताकि जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए। बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे, फिर देखना, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आई विश बयान ये परिवार सब कुछ पहले की तरह हो जाए और फिर आगे हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो। एक्सक्यूज मी, जी कहिए किससे मिलने? ये ध्रुव पांडे जी का घर है ना? जी बताइए क्या बात। एक्चुअली जिस तरह से ध्रुव पांडे जी चैनल छोड़ के चले गए ना अचानक से, तो उससे उनके चैनल के शेयर्स पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। शेयर के प्राइसेस मार्केट में क्रैश हो चुके हैं और उनका चैनल लॉस में चल रहा है, इसलिए हमारी कंपनी उनका चैनल खरीदना चाहती है। हाँ जी सर, जैसे आपने कहा था मैंने कर दिया सर। का बोले वो लोग, बेचेंगे ना चैनल वा? देखते हैं सर, मैंने कोशिश तो पूरी की है। हमको सिखाने की कोशिश मत कर, समझे? कोशिश नहीं, और एक बात ध्यान से सुन ले, कोनो झोल झाल नहीं। ओके खातिर तुमको आदमी बढ़ाना है, आदमी बढ़ाई दियो, पैसा खर्च करना है पैसा खर्च करो, पर हमका सिर्फ चैनल चाहिए, समझे कि समझाए? जी सर, अभी कुछ ही देर में चैनल के ऑफिस में उन लोगों के साथ मीटिंग है, मैं किसी भी तरह से पेपर साइन करवा लेता हूँ, आज डील तो हो ही जाएगी। भी क्या? हम कहते हैं आप ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं, जो फैसला लिया वही सही है। ये चैनल ध्रुव का था, अब जब वही नहीं है तो इसे भी रखने का कोई मतलब नहीं है, बेच देते हैं।
नया आदमी आएगा कम से कम ढंग से चैनल को चलाएगा तो सही। जी आओ चलो। बिहान क्या हुआ, चलो ना। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। क्यों बाबूजी? ध्रुव के बिना हम ये ऑफिस देख नहीं पाएंगे। आप लोगों के कहने से यहां तक तो आ गए, लेकिन अंदर तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ध्यान तुम गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बाबूजी। आप ध्रुव सर के केबिन में बैठ जाइए जाके। मोहित। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते सर। आप मोहित बाबूजी को ध्रुव सर की किक के केबिन में ले जाओ। बाबूजी वहां पर उस टीटी डील के सारे पेपर्स भी अंदर रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। तब तक मैं सारे ऑफिस स्टाफ से मिल लेती हूँ। चलो बेटा दिखाओ। मैम क्या सच में चैनल बिकने वाला है? चांसेस तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सब लोग टेंशन मत लीजिए, प्लीज अपना अपना काम कीजिए। ये क्या है? ये दर्शकों के लेटर्स हैं ध्रुव सर के लिए। आपको तो पता है ना मैम, डेली कितने लेटर्स आते हैं। डियर ध्रुव सर, मैं 9th में पढ़ता हूँ, आप मेरे आदर्श हैं, मैं आपके जैसा बनूंगा आपका शुभचिंतक असर। आपका चैनल सच सही और शक्ति की मिसाल है, ये नई पीढ़ी की हिम्मत भी है और शिक्षक भी है। इसी तरह बढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस योर चैनल। ध्रुव बेटा, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, तुम्हारा चैनल भी समाज के लिए वही काम कर रहा है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, ये काम कभी मत रोकना। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। हाँ सर, मैं चैनल के ऑफिस पहुंच चुका हूँ, कुछ ही देर में डील साइन हो जाएगी। ठीक बा, फाइनल बा होते ही हमका फोनियाओ, उके बाद हम बुलडोजर बा भेज दे। तू चैनल बा जब मिट्टी में मिल जाई ना, तब हो हमरा करेजवा में सुकून पहुंची। समझे कि समझाएं? जी सर। डील होते ही आप बुलडोजर भेजिए और तोड़वा दीजिए ये बिल्डिंग। अब हम रखते हैं फोनवा।